राजकीय नारी निकेतन की महिला समाजसेवियों की मौतों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा न कर पाने का भी आरोप लगाया। नारी निकेतन में सवासनियों के साथ हुए दुराचार के मामले ने जहां पूरे देश में प्रदेश सरकार की बदनामी कराई है, तो उसी नारी निकेतन की महिला सवासनियों की मौतों ने सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा इसे प्रदेश सरकार की नाकामयाबी करार दे रही है और अब भाजपा इसका विरोध जताते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के आने पर उन्हें काले झंडे दिखाने का प्रयास करेगी। एक दो तीन की बात नहीं, 12 मौतें आपके शासनकाल में हो गई हैं और 15 लोग एक महीने के अंदर 15 संभासनियाँ हॉस्पिटलाइज हो गई है, 2 के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई। आखिर हो क्यों रहा है? आप जिम्मेवार हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी जी जिनके पास वो मंत्रालय आएंगे, हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। हम चैन से नहीं बैठने देंगे। आप आए हमारे विधानसभा